हेलो दोस्तों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपका जो एग्जिट प्लान पॉइंट है उसी पॉइंट से आप दूसरे कमरे को लाइन कैसे लोगे। ठीक है, एक जो एग्जिट प्लान के लिए जो पॉइंट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी पॉइंट से आप दूसरे रूम को कैसे लाइन ले सकते हो। तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एक इस तरह का बेड स्विच की ज़रूरत है। ठीक है, उसको कनेक्शन करने से आपका उसी ही स्विच में, ठीक है, जो जिस स्विच में आप एग्जिट फैन चला रहे थे, ठीक है, उसी एक ही लाइन में दूसरे बोर्ड को लाइन मिलेगा और उसके साथ साथ एग्जिट फैन भी आपका चलेगा। तो देखिए, आपका घर में आपका जो स्विच बोर्ड है इस तरह आपका स्विच जो एग्जिट फैन है चलता होगा। ठीक है, इस तरह एक स्विच के ऊपर हिस्से से ये जो सीलिंग रोज है इस सीलिंग रोज में एक पॉइंट में कनेक्ट होगा और एग्जिट फैन का जो वायर, दो वायर है, एक वायर यहाँ पे और दूसरा वायर यहाँ पे कनेक्ट हुआ होगा। आपका फेज का वायर स्विच के ऊपर हिस्से से आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वायर कनेक्ट हुआ है उसको पहले इस स्विच के ऊपर से हटा के उस वायर को ला के यहाँ पे कनेक्शन करना है। ठीक है, स्विच के नीचे ऊपर टर्मिनल से हटा के खोल के नीचे वाला टर्मिनल जो आपका फेज है पॉजिटिव हुआ होगा उसमें डायरेक्ट कनेक्शन करना है। ठीक है, दूसरी बात यह रहा, यहाँ पे जो वायर कनेक्ट हुआ है उसको इस टर्मिनल से हटा के यहाँ से उस वायर को खोल के डायरेक्ट दूसरे का आप जिस स्विच बोर्ड को घर को लाइन लेना चाहते हो उस स्विच बोर्ड तक इस वायर को डायरेक्ट ले जाना है। ठीक है, इस वायर को यहाँ पे यहाँ से हटा के इस तरह डायरेक्ट यहाँ पे लेना है स्विच बोर्ड के दूसरे स्विच बोर्ड के नीचे। ठीक है, इस तरह ये वायर टोटली फेज हो गया है, इसमें फैन का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आपका इस तरह न्यूट्रल भी यहाँ पे जो है उसको भी इस तरह डायरेक्ट कर देना है, इस न्यूट्रल को रखे यहाँ पे आप कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फैन भी चलाना है एग्जिट फैन, उसके लिए क्या करना है, हमारा जो ये बेड स्विच है इसकी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपका ये जो वायर, ठीक है, इस स्विच के ऊपर से फैन को गया था। ठीक है, मैंने क्या किया, उस वायर को मैंने स्विच के नीचे में लगा दिया, लगा के दूसरे स्विच के स्विच बोर्ड के जिस रूम को लेना चाहते हो उस स्विच बोर्ड के नीचे में लगा दिए, इस तरह ये आपका फेस डायरेक्ट हो गया, आपका जो न्यूट्रल है, ठीक है, यहाँ पे गया होगा न्यूट्रल को आप सिलिंग से कनेक्ट करके ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप दूसरे रूम में फ्रिज चलाना चाहते हो आपका ये जो वायर है 1.5 mm होना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह आप न्यूट्रल को भी ला के यहाँ पे कनेक्शन कर दिए, इस तरह आपका फेज मिल गया दूसरे बोर्ड को और न्यूट्रल भी मिल गया। इसमें हम इसमें जो उसी ही जो वायर था सीलिंग रोज सॉरी एग्जॉस्ट फैन चला रहे थे, अब उसी वायर में एग्जॉस्ट फैन भी कैसे चलाना है आपको दिखा देता हूँ। तो आपका वायरिंग इस तरह होगा। ठीक है, ये पॉइंट सीलिंग रोज को गया था, मैंने उसको डायरेक्ट स्विच के नीचे लगा दिया, यहाँ से ला के दूसरे स्विच बोर्ड को लगाता है, ये डायरेक्ट फेस इस बोर्ड को मिल गया। ठीक है, उसको बाद क्या करना है, ये जो सीलिंग आपका जो एग्जस्ट फैन था ये सीलिंग रोज में लगा था। ठीक है, उसमें से दो वायर निकला था, उस एक वायर को मैंने स्विच में जो बेड स्विच है ये वाला जो स्विच है उसके ऊपर हिस्से में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला टर्मिनल से डायरेक्ट फेस में लगा दिया। ठीक है, ये ऑन करने से एग्जस्ट फैन लगेगा, ये लाइन हमेशा इसमें करंट रहा। ठीक है, और एग्जिट फैन का जो दूसरा वायर है उसको इस न्यूट्रल में मैंने लगा दिया, इस तरह यहाँ भी उस वायर से आपका जो एग्जिट फैन के लिए जो वायर था उसी वायर उस बोर्ड को मिल गया और उसी वायर से एग्जिट फैन चले गए, इसलिए सिर्फ आपको इस बीच में आपका जो बेड स्विच लगाना है ज़रूरी है। बेड स्विच, ठीक है, इस तरह आप इस बोर्ड में भी फ्रिज हो
या कुछ दूसरा फैन हो, बल्ब हो, कुछ भी इस्तेमाल इस बोर्ड में कर सकते हो।